Welcome to my YouTube channel, The Brown Daughter. I am Janhvi Tiwari and today I am up with a very interesting video. तो मैंने ना थोड़े दिन पहले Instagram पे पूछा था आप लोगों से, अगर आप लोगों को कोई फनी या फिर कोई चैलेंजिंग वीडियो देखना है मेरे चैनल पे, तो आप लोगों ने कहा आई शुड डू अ वीडियो जहाँ पे मम्मा और दीदी मिलके मेरी लाइफ कंट्रोल करे. सो वी आर डूइंग दैट टूडे. आई एम अ लिटिल स्कैर्ड बिकॉज ये दोनों ऐसी चीजें करवा सकते हैं जो मुझे नहीं पसंद. So, let's see how that goes. Good morning, guys. Good also, morning. मैं नहा धो के एकदम अच्छे से तैयार होके आ चुकी हूँ. Good morning. Good morning. आप लोगों को क्या कैसा लग रहा है कि आज आप लोग मेरा दिन कंट्रोल कर रहे हैं? सबसे अच्छा तो तुमने दिन यही किया कि सुबह ऊपर से नहा के. अब मम्मी ना पूरे दिन मेरे लिए ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर लेके चलेगी. आई एम स्मार्ट बट खिलाड़ी तो हम भी हैं. Guys, I have to work a little, तो पहले वो करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या करना है. ये बताओ घर पे रहना है या बाहर जाना है? घर पे भी रहना है बाहर भी जाना है. यहाँ पे दीदी फ्रूट्स कट कर रही है और मम्मी भाकरी बना रही है. Cheers! I am editing right now. मुझे थोड़ी सी editing complete करनी है before I start with the actual video. No, I do have some work for you. अभी ये कर लूँ? नहीं, you can't do it. So you will need to give me a very cute outfit today. तुझे मुझे क्यूट आउटफिट देना है और तुझे मुझे क्यूट मेकअप लुक भी करके देना है. You sure about that? Yes. वेरी श्योर. और अगर क्यूट नहीं किया तो उसकी सजा मिलेगी. पहले चल मेरे रूम की पानी की बॉटल भर के दे. चल मेरी वाली ले जा. नहीं मुझे मेरे. आई ओनली ड्रिंक इट इन माय वाटर बॉटल. और ये सब क्या है? ये इतना गंदा क्यों है सब? ये सब साफ करो. चलो ये कोना पूरा साफ करो. क्लीन क्लीन है. आई डोंट लाइक दिस डर्टी मेस. मेरा रूम इससे बहुत ज्यादा क्लीन है गाइस. ये मेरे रूम में आके देख रहे हो? इतना क्लीन मेरा रूम देख ले कितना क्लीन है. जाके आज मेरी चमकी करके देगी शाम को. अच्छी चमकी करके. ठीक है कर दूंगी. बस यहाँ गिर और जाए इसकी पानी की बॉटल. मजा ही आ जाए. सजा जेल में आप. ये क्या सजा? 10 मिनट में तेरे को जेल में बंद कर दूंगी. बाथरूम में बंद कर दूंगी. मेरे को चलेगा. छोटे वाले बाथरूम में, वो वाले बाथरूम में, विदाउट योर फोन. बढ़िया. आप खुद ही चाल ले तो आप खुद ही नहीं करते तो कैसे? ये लेते हैं पानी की बॉटल भर दी मैंने. ये कुर्सी राजा की कुर्सी है. आप खड़े खड़े काम करिए. उठना होए. काम है मेरे को भी. ये कुर्सी मेरी है जो इसने हड़प ली है. ठीक है ये कुर्सी के पैसे मैंने दिए. मैं खरीद के लेके आई. दिस लुक्स वेरी वियर्ड दो. जानवी नीचे से मेरा फ्रूट्स खाने का मन कर. फ्रूट्स लेके आना. यार दीदी काम कर लेते थे फिर स्टार्ट करते और तू ना. पहले मेरी मर्जी. मैं चाहे जब भी स्टार्ट. हेलो गाइस मेरा काम हो चुका है तो चलो मम्मा के पास चलते हैं. मेरा काम हो गया. मम्मी कोई मदद चाहिए आपको? इतनी रोटियां आप बनाएंगे? मैं बना सकती हूँ बट मैं बनाऊं? हाँ बनानी है. ला दो. और ऐसी फूली फूली रोटियां बननी चाहिए. बनेंगी कितने टाइम तक ये कोई पता नहीं है. मैं यार मम्मी अभी तो मैंने बनाई थी रोटी. पहले छोटे पे मैं आ जाती थी और अब मुझे थोड़ी सी लोई पकड़ा देते थे. लो बेटा करते थे. मुझे भी बनानी है. ये देखो गाइस ये मैंने बनाई रोटी. दीदी ऊपर है और मम्मी यहाँ से दीदी को वीडियो कॉल कर रही है. मेरी मम्मी इतना वीडियो कॉल करती है. मैं तो मजाक मजाक में आई थी नीचे. यहाँ पे तो सच्ची रोटी बनाने का नंबर आ गया. बेटा बाल में क्लेचर लगा के खाना बनाते हैं. मैं थोड़ी रोटी करने आई थी. आपने लगा दिया मुझे. अब जब आपने ऐसा चैलेंज रखा है तो मैं तो कहीं भी लगा सकती हूँ. अभी तो हर चीज के लिए प्रिपेयर रहो. जल्दी करो स्लो हो रही है. सास भी इतना परेशान नहीं करेगी. चलो गैस को तेज करो. ये धीमी गैस पे रोटी ना बनने वाली. चीचड़ हो जाएगी. बस बस हो गई रोटी. अब इस रोटी पे ध्यान दो. इसको तेज करो. मैं चाहती हूँ रोटी बनानी. अभी फुला के बताती हूँ. रुक अब वो ना फूलेगी. फूल जा बहन फूल जा प्लीज. ये 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 ये. मम्मी मेरी रोटी नहीं फूल रहा है. अभी तो मेरे चढ़ गया. अभी मैं और आटा मार के लेकिन रोटी तो फुलाऊंगी. नहीं रखी है डब्बे में. रखा आटा रखा. गाइस मेरी रोटी फूल गई. लुक एट माई रोटी. एकदम प्रॉपर गोल और एकदम पतली है. यहाँ पे मम्मी छौका लगाते हुए. जान मम्मी खुश. एक टास्क. थैंक यू सो मच. दूसरे टास्क के लिए तैयार हो जाओ.
अब आपको गोपाली मैडम के पास जाना पड़ेगा। मेरे बदले नहा आई है। नहीं पहले खाना खा लेते हैं, फिर करके दे ले। अब जितनी बाकी की एडिटिंग बची वो मुझे नहीं आएगी ना। क्यों, तुझे तो आती है अभी अपनी तो करके। चलो चलो बेटा जल्दी से एडिट करो। ये तो बोल लेते हैं मम्मी, अपना काम तो खुद करना। खाना बनवा सकती हूँ मैं, मेरी एडिटिंग नहीं करवा सकती। Guys, that is your Priya Bhuri Beti helping me with the voice issue जो मेरी वीडियो में आ रहा है। Guys, I was just asking her के what are our plans? So the plan is कि क्योंकि I'm editing, कल ही जानवी ने बोला कि हम ऐसी कुछ वीडियो बना रहे हैं, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है। I have a Pinterest image जो piercing I want you to get done. Please show. It's not piercing, it's piercings. ये क्या हुआ? मम्मी को मैंने बताया ही नहीं, उधर रहे थोड़ा। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, लाइक मेरे को पसंद है ऐसा नहीं है, बट आई हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। मेरा मन तो था मैं नोज पियर्सिंग करा लूं, बट यार मैं खुद थोड़ी सी ना अभी परेशान हो रही हूँ। और हमारे घर पे फंक्शन आ रहा है। यस, सो आई विल ऑब्वियसली अटैच एन इमेज हियर एज वेल। जानवी आर यू प्रिपेयर्ड? मम्मी नहीं मानेगी, कुछ ज्यादा ना हो गया, सुंदर लगेगा। तो मेरे को कंट्रोल करने के लिए दिया, या तो मेरी बात मानूंगा तो टाइटल में मत लिखना माय सिस्टर इज कंट्रोलिंग माय डेथ। पर इतने सारे कराने का बहुत मतलब है? मतलब हो या ना हो, मैंने तो करा दी, कल निकाल दे रहा हूँ। बता देखो कैसा लग रहा है। मेरे को जो बोलोगे मैं तो वो कर, इन जनरल देखो कैसा लग रहा है। अच्छा लगता है तो फिर एक करवा ले नोज। यू हैव, मुझे तो लगा कि तू बेली पियर्सिंग करवाएगी, मुझे लिटरली यही था। नहीं नहीं भाई, मैं पियर्सिंग देख रही थी, भाई लोग कहाँ पियर्सिंग करा लेते हैं। जीभ भी पियर्सिंग करा ली है और भी बहुत अंदर अंदर करा लिया उन्होंने पियर्सिंग। बट नाइस भाई, अगर आप लोगों की बेली पियर्सिंग मुझे लगती बहुत हॉट है, बट मेरे को लगता है मैं नहीं करा पाऊंगी। हम ना बहुत हाई वेस्ट पैंट्स ही पहनते हैं। हाँ तो, और मुझे तो ऐसा लगता है मैं कान की इयररिंग्स भी निकाल के रखे सोती हूँ। मेरे को ये नोज मेनली इसलिए निकलवानी क्योंकि मुझे लगता है मैं रात को इसको कोच ही लेती हूँ अपने आप में। रोना नहीं चाहिए, मेरे को मारिए मत पहले तो। मेरे को नहीं मार सकती तू, तू चाले हार जाती है, तू मुझे नहीं मारेगी। हाँ बोल बोला बोला। इट इज द लंच टाइम, दीदी बस आ रही है, दीदी नहा रही है, हमेशा लेट होती है ना। चलो लेट्स हैव फूड। आज मम्मी ने बनाया है मेथी आलू, है ना मम्मी? मेथी आलू दाल राइस एंड रोटी। हेलो, हमने लंच कर लिया है एंड बहुत मजा आ गई खाके। दीदी अभी भी खा रही है एंड हम लोगों को ना ये जो है ना यहाँ के लिए साइड के लिए बेंच लेने जाना है बिकॉज ये वाली टूट गई है। शादी का कैमरा ही है, गुड ना, एवरीवन ईट्स विद हैंड। गाइस आई एम ऑल रेडी। दीदी आई वाज सपोज्ड टू पिक एन आउटफिट फॉर यू एंड डू योर मेकअप इफ यू फॉरगॉट। तू कर का रही है जो मैं बोल रही हूँ वो झूठी, भूल गई यार मैं खुद ही। मैं जल्दी जल्दी नहाने गई, वीडियो एडिट कर रही हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही थी। एंड दीदी वॉन्ट्स मी मम्मा टू डू अ वीडियो लाइक हम तीनों का। मैंने वो बहुत क्यूट वीडियो देखी है, वो वैसे उल्टा होता है, लोग अपने बच्चों के साथ करते हैं बट हमारी मम्मा के साथ। यस बिकॉज़ माय मॉम इज लिटरली लाइक अ बेबी राइट नाउ। मम्मा आओ ऊपर, हाँ एक वीडियो मेरी और दीदी की पकड़ लो, आप देखते रहो कि कैसा सेटिंग है। गाइस हमने वीडियो बना दी है, मम्मी वीडियो देखोगी? क्यों मुझे क्यों लिया है? क्यों आपके रिएक्शन देखना चाहते थे? अब हम ना आज आपके रिएक्शन पहले ऐसे करके देख रहे हो कितने को। हम निकल पड़े हैं एंड दो दिन पहले हम वीआर मॉल गए थे एक काम से वीडियो बनाने के लिए। वहाँ पे हमने कुकीज खरीदी थी और वो कुकीज हम पैसे दे आए लेना भूल गए। हम नहीं बोल मैं ओनली मैं कौन चला गया था? तो वो तो मैं, तू मैंने ना कुकीज के पैसे दिए, सो बेसिकली मैं वहाँ खड़ी हुई। सो बेसिकली कुकीज कलेक्ट करने मुझे जाना पड़ रहा है। अगर मेरा चैलेंज नहीं होता तो मैं इन लोगों को भी लेके जाती। और मुझे प्लीज इज्जत से बात कर, मुझे बोल मैडम जी आज अभी से लेके जब तक ये तेरी वीडियो चल रही है यू विल ओनली कॉल मी मैडम जी। से यस मैडम जी, यस मैडम जी। नो नो ऐसे तुम मेरी मजाक बना के नहीं, ऐसे रिस्पेक्ट। यस मैडम जी, ऐसे यस मैडम जी। नो बोल दिया तू, हार गई यार, ये तू का तरीका नहीं है ना, ये तो मम्मी ये देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। यस यस मैडम, यस मैडम जी बताइए क्या करना है। बाय मैडम जी।
They look so tempting. Thank you. Madam G, your cookies. And here we are, pepper fry. नहीं मतलब छोटी सी सुंदर है क्या मैडम जी मैं नया घर बनवाऊंगी ना उसमें गार्डन भी बनवाऊंगी ओके okay. एक साल हुआ है आपको भी आए हुए आई लव द छोटे छोटे इंडियन थिंग्स दैट दे ऐड मैडम जी आप एस्थेटिक नहीं हैं तो क्या मैं आपकी मदद कर दूं नहीं मैडम जी हम जितने एस्थेटिक गाइस पहले ना आई वॉज रियली क्लोज टू गेट अ बेड लाइक दिस कोस्टर बेड है ना बहुत भरा भरा लगता मैडम जी जब बूढ़ी हो जाएंगी तब मैं ये दिलवाऊंगी इन्हें दीदी मिला मैडम जी कुछ मिला आपको हम जा रहे हैं दीदी की मैडम जी की पियर्सिंग निकलवाने एंड दीदी शायद मुझे पियर्सिंग करवाएगी एक देख ले तुझे जितनी जहाँ करवानी हो नोज में करवानी हो कान में करवानी मैंने ना आज टंग पियर्सिंग भी देखी नहीं टंग नहीं मेरा टेस्ट बड़ खराब नहीं होने चाहिए बस गाइस हम आ तो गए हैं जहाँ पे पियर्सिंग होती है वहाँ मैं मेरी ये निकलवाने जरूर जा रही हूँ तो मैं जब जब आए हैं यहाँ पे तो इसकी भी करवाई देते हैं थोड़ी सी रोती रहती है तो क्या इसमें मम्मी की सहमति है आपसी सहमति के साथ ही काम होंगे और आप मुझे क्या बता रहे थे कान में बता क्या चल रहा है क्या 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 आप बताओ आराम से बैठ के बताओ आराम से गाड़ी में मुझे लग रहा है प्रॉमिस करवाओगे कभी टैटू नहीं करवाओगे नहीं सच्ची 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 मेरे को अवार्ड चाहिए मैडम जी अवार्ड मेरा प्रॉमिस दो अवार्ड वाला हम आप प्रॉमिस मैंने सुबह ही बोला मैं ये तो मैं कर ही नहीं रही मैं चैलेंज हार जाऊंगी बट मैं प्रॉमिस नहीं कर रही कि मैं टैटू चैलेंज आप ऑलरेडी हार चैलेंज नहीं कर रहे मम्मी प्रॉमिस तो गलत है प्रॉमिस तो गलत है मम प्रॉमिस वाला वीडियो नहीं होना थैंक यू मम्मी चल मैडम जी हाथ हटा आज तुम मुझे कुछ नहीं करवा सकती आप हटो यहाँ से प्रॉमिस नहीं ना मम्मी हाँ तो मैं बोल रही हूँ यहाँ से हट जानवी तो ऑलरेडी हट चुकी है ना उस चीज का फायदा नहीं उठाओ दूर मुझे टच मत करो है कि वो टैटू कराएगी मुझे टच मत करो मुझे टच मत करो अगर मैं टच हुई तो देख लेना तू हार जाएगी देख तू टच तू पिटेगी मुझसे इज्जत से बात करें बोले आप पिटोगे आप बहुत बुरी तरीके से पिटोगे जानना तू पियर्सिंग कराएगी ठीक है फिर हम वहाँ से निकल जाएंगे हाँ। वो अंकल को बोलेंगे अंकल मेरे पास पैसे नहीं है पियर्सिंग कराने के बाद अपनी दिखा दिमाग नहीं है क्या आप में हाँ वी आर हियर एट अभिनंदन पियर्सिंग की जरूरत है आ गए हैं हम चलो भैया इनकी नोज पियर्सिंग निकाल दो ठीक है तो वो हो गया चना हो गया चना हो गया दीदी भेल बना ले निकल गई कैसा लग रहा है अरे सोने में बहुत लगता था एक साथ भैया कह रहे दो तीन पियर्सिंग करवा सकते हैं यार देखो अजीब लग रहा है अजीब लग रहा है ना मेरा मन कर रहा है मैं गोल्डन लगवा लूं इतनी अच्छा लग रहा मेरा मुंह बिना रिंग के ओए मिस माय नोज पे यार ऐसी इयररिंग्स भी होंगी क्या आपके पास बट वो अभी नहीं पहन सकते ना हाँ पहनाए देंगे थोड़ा अच्छा कान में भी तारे पहनने पड़ेंगे अभी एक डायर दो होल कराओगे ना तो चेन के साथ हो सकता है ये वाला हो सकता है ये वाला ना ये वाला है क्या ये आपके पास है क्या मैं ये ऐसी कुछ करवा लेती हूँ एक डायमंड अच्छा लगता है हाँ एक डायमंड करवा ले कहाँ करवाएगी यहाँ पे करवाएगी मेरा कान देख रही है कहाँ करवाएगी मेरा मन तो एक यहाँ पे वो वाली भी अच्छी लगती है तेरे पास ऑप्शन है चल कम से कम तेरे वो है तो तेरी इच्छा है ये वाली करवानी है इमेज लगा देना यहाँ पे या ये वाली है यहाँ पे ऐसी वाली स्टाइल देख एक ऑप्शन ये है कि यहाँ पे तू होल करे और वो ऐसे हैंग करे दैट इज एन ऑप्शन विच विल लुक वेरी डिफरेंट एंड न्यू हाँ हो गए देख ये अच्छा लग रहा है ये लुक्स वेरी नाइस देख एक बार शीशे में देख ले तुझे भी अगर देखना हो तो हाँ मस्त लग रहा है ना अच्छा लग रहा है हेलो वी आर बैक हमारी कार
कार में एंड आई फील रियली गुड राइट नाउ. एकदम ऐसे मेन कैरेक्टर डीवा वाइब्स आ रही है अभी. Actually, तो अच्छा लग भी रहा है. मुझे ना बहुत ऐसे डर लगता है कि एलिगेंस ना चला जाए मेरा, पता नहीं क्या. जैसा किसने बोला तेरे में एलिगेंस है. चला तो तब जाता है जब होता है. जैसे मेरे पास नोज पियर्सिंग थी जो चली गई, जिसका मुझे बहुत दुख हो रहा है. आई एम लाइकिंग माय फेस नाउ. मैडम जी आप बहुत अच्छी लग रही है. मैडम जी बहुत सुना, मेरा रोना आ रहा है आपकी पियर्सिंग चली गई. मैडम जी आई एम रियली सॉरी. मैडम जी आई एम रियली सॉरी आपकी पियर्सिंग चली गई. हाथ दूर, नो टचिंग अलाउड. मैडम जी हम कहाँ जाएंगे? आपने भी खुद कैमरे के पीछे बोला था मुझे कैफीन जाना है. हम कैफीन जा रहे हैं. तो जहाँ बोल, आप जहाँ बोले हम वहाँ चले जाएंगे. बट आप गाड़ी चलाएंगे. कैफीन से मैं घर लेके चलूंगी. ओके मैडम जी. नो यू कांट. तू मुझे इंस्ट्रक्शन. आप कौन होती है मुझे बताने वाली कि मैं क्या करूंगी? आप कौन होती है मुझे बताने मैं और मम्मी का फेस देखना था 2 मिनट. सही क्या बोल. अच्छा एक और चीज भाई साहब. मैडम जी रात में क्या खाएंगी? गाइस आई हैव टू कुक फॉर देम. तू बना रही है तो हमने तो वैसे ही कुछ नहीं खा के सोना पड़ेगा, क्योंकि जो तू बना रही है वो तो हम नहीं खा पाएंगे. क्या खाएगी रात में? खाएगी नहीं, क्या खाओगे? मैंने आपको इंटरप्ट पूरे वीडियो में यही करी. कितनी मीन बहन है गाइस. प्लीज सपोर्ट मी इन द कमेंट सेक्शन दैट यस गोपाल इज वेरी रूड. ये क्या अच्छा बनाती है? मेरे को ध्यान ही नहीं आ रही अच्छा क्या बनाती है. चाइनीज अच्छा नहीं बनाती है, वो ही बनवाओ. जो इसको नहीं बनाना आता वो बनवाओ. सही बात है. ये तो यार समोसे मैं बना के बताती हूँ. मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया. वाओ आई वुड लाइक टू हैव सम नाइस समोसे. जो घर जाके समोसे बनाने हैं. आई फील लाइक अ हाउसवाइफ. खोल के बंद किया है ना. और मैडम जी चाहती है गेट का कलर भी बदलवा दो जरा. हाँ मैं भी चाहती हूँ. ये आपने अपने नाम से ज्यादा ही रिलेट करता हुआ कलर नहीं रख दिया अपने गेट का. हेलो आई एम इन द किचन. वी आर बैक एंड यहाँ पे आलू बॉईल हो रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रिपरेशंस. मिर्ची कट करने का मुझे बोला गया सो हम वो करते हैं. आई नो हाउ टू मेक इट. लाइक हम आटा बनाते हैं एंड देन आलू में क्या क्या डालते हैं आई नो. सो लेट्स सी हाउ दैट गोज. Of course guys, because this is not a MasterChef video, the head chef is going to help us out because मैं पहली बार ही बना रही हूँ आई थिंक समोसे. नमक थोड़ा सा. Guys, the dough is ready and mama also approved it. कि मैंने अच्छा मारा है, so I'm happy about that. Now we are going to peel the potatoes. ये कच्चा है. कौन सा कच्चा है? ये लगा. अच्छा वो मम्मी आगे मैं तो इसको एकदम अच्छे से स्मैश करने वाली थी. मम्मी ने कहा स्मैश नहीं करना है बेटा. हाँ ये ना मम्मी पेस्ट बना के रखती है. इसके अंदर मम्मी धनिया मिर्ची को पहले से ही चॉप कर देती है. चॉप करके रख लेती हूँ. एडिंग सम अमचूर पाउडर. गाइस मेरी मम्मी बहुत अच्छे समोसे बनाती है. मैंने ना ऐसे एक रेसिपी देखी मम्मी यूट्यूब पे और मैंने वो देख के बता दी. इसमें मेरी मम्मी वाला स्वाद तो न थी. अमचूर पाउडर डाला गया अभी तक आलू में और ये डाल रहे हम नमक. सॉरी गाइस कुकिंग तो मैं कर रही थी लेकिन ट्यूटोरियल तो मम्मी दे रही है. जीरा पाउडर. आई एम जस्ट हियर टू डू दिस. टेस्ट देने के लिए मिर्ची पाउडर. वाह जानवी वाह. सब तो आपने किया है. हमने इसको 5 मिनट जितना रखा होगा और हमने उतार लिया. अब हम इसको एकदम मस्त तरीके से ठंडा होने देंगे. तब तक वी आर गोइंग टू मेक द गुलाल. मेरे को अभी भी रियलाइज नहीं हमारे किचन में पंखा है. पुराने वाले में नहीं था. वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे रखते थे. मैं डाइनिंग टेबल yeah. अभी हम इसको कट करना है. स्क्रैच नहीं आएंगे डोंट वरी. इतने समोसे मैंने बनाए हैं. अब मम्मा हेल्पिंग मी आउट. गुड जॉब थैंक यू. अगली मास्टर शेफ में ना मैंने समोसे ही बना के खिलाने और मम्मी और मम्मी ने अगर मुझे हरा दिया तो कहूंगी आप ही ने तो सिखाए थे.
बहुत मेहनत की है समोसे में, हेल्पिंग तो चाहिए होगी अकेले। मम्मी ने बहुत हेल्प किया और अगली मास्टर से उन्होंने यही बना के खिला दी मम्मी और बोले कि आप हराएंगी मम्मी आप ही की तो रेसिपी है। मेरी जो मैडम जीज है उनका मन नहीं है अभी खाने का, तो आई एम गोइंग टू ओनली डू द टेस्ट टेस्ट एंड टेल यू ऑल कि मैंने समोसे कैसे बनाए। गाइस मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेती हूँ और मुझे पता है ये बोलेगी कि इसने समोसे अच्छे बनाए। यू आर नाइस मैडम जी, बोलने के लायक ही नहीं रही मैडम जी, फुटेज डिलीट कर देंगी इस ब्लॉग का। ये ठंडा कुमार और बोल हाँ मैडम जी कर रही हूँ। सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी मैडम जी प्लीज खा लीजिए, पहले बोल प्लीज खा लीजिए। कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया सुबह से उसको जॉन खा रही उसकी है। अच्छा दादी दादा भी आ रहे हैं, लेट्स सी उनको कैसे लगता है। कैसे बने? अच्छा नाइस। दादी ओनली इस घर का खाना कैसा है दादी आप बताओ। अच्छा है। गाइस ये कब से मुझे सॉरी बोलने के लिए कह रही है, बोल सॉरी मैडम जी, सॉरी मैडम जी।